शादी के बाद औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चली जाती है बच्चों? आपकी इतनी पुरेतमाद पर्सनालिटी थी जो दानियाल भाई के साथ ने बिल्कुल छीन ली। चुप हो जा फसी, क्यों डांट रही है बेचारे को? सही तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? वो मेरा जाती मामला है, इसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी। फिर भी फसी, तुम इन मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। अच्छा सॉरी ना, भाई मैं तो अपनी वाइफ के साथ ऐसे कभी नहीं करूंगा। करके तो देखो, पिटाई लगा दूंगी तुम्हारी। वैसे फुप्पो, ये कितना अच्छा लगेगा ना पिटते हुए। आपका ये अरमान भी अरमान रह जाएगा। फुप्पो ने आज तक मुझे डांटा नहीं, ये मुझे मारेंगी। इसे ठीक कह रहा पप्पो, आपका प्यार हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। और तुम दोनों भी अल्लाह की तरफ से तोहफा हो हमारे लिए। याद है ना तुम्हें आज ईमान को शॉपिंग के लिए ले जाना है? जी, अभी फोन करती हूँ। रहमत को कहना हमारे लिए चाय भी बना दे। ईमान, ईमान, ईमान। अरे वो ड्राइवर आ गया, जल्दी से जाओ, तुम्हें लेने आया है। बस तैयार हूँ मैं। वाह मम्मी, ड्राइवर आप ही, तुम्हारे तो मजे ही हो गए। बस अपने अपने नसीब की बात होगी। ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और सुनो, ज्यादा खर्चा मत करना, सोच समझ के खरीदारी करना। और मंगनी के मौके पे भी तुमने बहुत खर्चा करवाया था हम लोगों का। वो अम्मी, एक तो आपकी फजूल की नसीहतें शुरू हो जाती हैं। अब वो अपनी मर्जी से दिला रहे हैं ना, मैं फोर्स थोड़ी कर रही हूँ। और इतने अमीर घराने में शादी हो रही है तो क्या मैं अपने दिल के अरमान भी ना निकालूं? उफ मेरे खुदाया, इस लड़की को समझाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो, लेकिन जाओ तो सही। बेचारा ड्राइवर इतनी देर से इंतजार कर रहा है, सूख कर कांटा हो जाएगा। हाँ तो ड्राइवर है, उसका तो काम ही है वेट करना, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। हाय अल्लाह, उसके अंदाज तो देखो, खुदा हाफिज किए बगैर ही चली गई। छोड़े अम्मी, उसके तो आजकल पांव ही जमीन पर नहीं टिकते, हमें क्या खाक याद रखेगी। कौन सी अच्छी लग रही है आप देख लें? सारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये वाली ट्राई करो, ये मुझे ज्यादा भारी लग रही है। देखूं? हाँ हाँ। माशाल्लाह,